नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। 30 जून को नागपुर के चितनवी सेंटर पे शाम 6 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार, हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी कोलकाता और सुहिनी कॉरपोरेशन हैदराबाद द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है कोलकाता से आए विख्यात संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य और तबला वादक पंडित प्रसन्नजीत पोद्दार। शहर है जहाँ इतने बार कि हार को कैसे कर हम नहीं आते से दिया और समझदार है ना सब ये महाराष्ट्र में नहीं हो सकता समझदार सुल्तान के नहीं होता है। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ये हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है हमारा और हमारा बीच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री जिसके लिए द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स अस इवन ये इंडिया एक कला है, एक संस्कृति है, एक पहचान है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, योगा, आयुर्वेदा, तो हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी और सभी ये दो संस्थाएँ मिलकर हम प्रचार प्रसार कर देते हैं ताकि ये जो क्लासिकल म्यूजिक है ये नेक्स्ट जनरेशन में इसको हमें म्यूजिक करने का कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जाने, जबकि आज के टाइम में नेक्स्ट जनरेशन यंग जनरेशन बॉलीवुड हॉलीवुड इसके पीछे भाग रहे हैं, पॉप म्यूजिक के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब जब हम उनके सामने क्लासिकल म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, बहुत नए और बड़ी पसंद प्रोडक्शन, बहुत स्कूल कंपनी भी हम गए हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हमने प्रस्तुत किए और देखिए उनका उत्साह, देखे प्रोग्राम के बाद सीखने का उत्साह। तो ये टेस्ट डेवलप करने का काम म्यूजिशियंस को है, कलाकार लोगों को है, ऑर्गेनाइजर लोगों को है और साथ ही साथ पत्रकार लोगों को बहुत बड़ा इसमें योगदान होना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं कि सिनेमा का न्यूज छपता है, बहुत बड़ा जगह लोग हैं, पॉलिटिकल न्यूज छपता है, एक्सीडेंट नहीं हो जाए बहुत बड़ा छपता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक के लिए कोई जगह नहीं बचता है, पेपर में कोई जगह नहीं बचता। तो ये आप सबको निवेदन है, निवेदन है थोड़ा इस म्यूजिक को इंडियन क्लास